हंसो बेटा हंसो बेटा। वेलकम टू द न्यू डे न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों सुबह सुबह उधर खाना पीना खा के घर आ गए हैं और अभी घर में क्या प्रोग्राम है कि सारे दोस्त कुछ दोस्त ड्यूटी गए हैं और एक भाई का जिनका बेबी हुआ है तो वो बच्चे को दिखाने के लिए हॉस्पिटल गया है। तो थोड़ा देर बाद मिलेंगे दोस्त लोग और देखते हैं आगे क्या होता है। साले तीनों आए तीनों फोन में बिजी रहेंगे पे। ये तो गलत बात है, ये तो हम रख दिया मोबाइल, हद कर दिया है बेटा। आ गया अपने पहले मोबाइल शुरू किए थे पार्टी देख के बेटा। भाई हम देख रहे थे व्यूज कितना हुआ है। व्यूज नहीं आप वीडियो देख रहे थे, दूसरा दूसरा का भी अपना कुछ नहीं। बैठे रहता है ना उसके मोबाइल को हटा देना चाहिए। हां मोबाइल को पिछवाड़े में रख लो पॉकेट में। हां ये भैया के लगा मार डाला। कब हुआ बोला घूमने चलो कहाँ चलेगा। चलो कॉफी वॉफी पिलाओ। कपड़ा लेना है दीदी के लिए कपड़ा कब है? राज होगा घर में मेरे राजनंदनी मेरे पापा नाम रख दिए राजनंदनी। वाह वाह वो एकदम एक नंबर है भाई। राज करेगा हम लोग घर में राजनंदनी तो उसके नाम ये तो मतलब बड़ा महारानी वाला नाम लग रहा है राजनंदनी। बहुत अच्छा नाम है। मतलब बाप का नाम रहेगा साथ में। हां मेरा नाम हमेशा जुड़ा रहेगा राजनंदनी। आपका नाम राजनंदनी हबीबगंज। हबीबगंज स्टेशन बोलने में मतलब उसको रवि जो स्टेशन नाम रखा किसी के देखो मुंह से निकलता नहीं हबीबगंज। मुंह से देखिए अभी भी बोल देता है हबीबगंज निकलता। अरे हम इन लोगों को देखिए ना हम लोग का स्टेशन का नाम अगर लेना है अगर तालाब बोलना है तो तालाबाद कीजिए तालाबाद कीजिए। अगर अरे चाकुलिया है ना कमलापति एक मास्टर है क्या नाम उनका भूल जा रहा है आचार्य करके मतलब चाकू चाकू बात कीजिए चाकू। अभी क्या कमलापति नाम रख दिया है तो जैसे किसी बोलते हैं तिरंगे निकल जाते मतलब जो खाया तो वही निकल जाता कमला पसंद। तो अपना स्कूल में क्या प्राइज जीता है वैसे तक हम मैं पहला सुरेंद्र का बोल रहा हूँ। हम अपना स्कूल में कटोरी हाँ गिलास चम्मच आप क्या जीते हैं दादा? हम दो बार जीते हैं दादा। हाँ दोनों बार दो, एक बार थाली दी वही कटोरी गिलास चम्मच ही ला रहे अभी तक। एक और थाली दिया था उसके पापा इतना बोले ना हंसी उड़ाया थाली दिया या तो घर में बैठ के खाओ या रोड में जाके लेके आओ। भाई तो गेम मजा दिया उसका। मैं तो अच्छा खासा ठीक है मम्मी बाबू को फोटो दिखाते हैं। हाँ बाबू का फोटो देखिए अपने पोती का। तो भाई हम तो यहाँ रहते हैं पहले ऐसे घूमते फिरते थे तीनों पढ़ते थे तो अब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं कि भेंट करने का ही मौका नहीं मिला। तो भाई आज मिला मौका तो बोले चलो भाई तीनों घूमते हैं कॉफ़ी पी के आए थे। कॉफ़ी पीने का अड्डा हम लोग बिश्नपुर में है उधर ही कॉफी वॉफी पिया जाए। सोया सोया हुआ तो भाई सोया हुआ उठा लिया मतलब बाल उठा है जस्ट चिल इसका था। अच्छा सुनर भाई हाँ अभी ड्राइवर का अलग तो कैंसिल तो नहीं निकला है? नहीं नहीं ड्राइवर का नहीं निकला नहीं, है ना निकलने वाला है ड्राइवर का फरवरी मार्च तक आएगा। फरवरी मार्च तक आएगा ना बेटी अभी मतलब जो एग्ज़ाम तो हुआ है ओला क्या था एनटीपीसी का एनटीपीसी अब ग्रुप डी का अप्रैल में होगा। एनटीपीसी का फर्स्ट फेज बना हाँ फर्स्ट फेज हो गया है सेकंड फेज का डेट देगा रिजल्ट निकलेगा तो फिर सेकंड फेज देगा। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो वायरल के लिए एक वायरल वीडियो है एक वायरल फ़ोटो है। एग्जैक्ट उस वीडियो और फोटो में क्या हुआ है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भाई वीडियो को देखिए उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं कि क्या है इसके बारे में वीडियो और फोटो दोनों। Hello
भाई पहला पहला पिक्चर जो आप देख रहे हैं जिसमें WAG-12 पूरा तरह ट्रैक से निकल गया है और पूरा तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। आगे कहीं से पूरा अच्छा से चौपट हुआ है। ये जो जगह है ईस्ट सेंट्रल रेलवे में चौपान और गरवा रेल सेक्शन के बीच में है, ठीक है। एज पर इंफॉर्मेशन जो मेरे को मिला है चौपान और गरवा रेल सेक्शन के बीच है। तो यहाँ पर इन दो स्टेशनों के बीच एक रेलवे क्रॉसिंग था जहाँ से एक JCB क्रॉस कर रही थी और ट्रेन का स्पीड इतना हेवी था कि JCB जो है वो फुटबॉल की तरह हवा में उड़ गई। सोच रहे भाई फुटबॉल की तरह। और जो WAG-12 है भाई, जो हम लोग का सबसे पावरफुल और सबसे इफेक्टिव इंजन है, इसमें आप देख रहे हैं कि ज़्यादा उसमें नहीं हुआ डैमेज, लेकिन वो क्या हो गया, ड्रिल हो गया आगे जाके और ब्लस्टर में ड्रिल होते हुए फंस गया। तो भाई ये है इसका मेन कारण। दूसरा वीडियो जो आप देख रहे हैं ये WDG-4 इंजन है, डुअल कैप और BCN लोड लगा हुआ पीछे। तो भाई एक्चुअली हम तो भाई इलेक्ट्रिक पायलट, लेकिन मेरे बड़े भाई जो हैं वो डीजल पायलट है। तो मैंने इसके बारे में उनसे पूछा तो उनका कहना है कि ये जो आपका जो आग निकल रहा है, धुआं के साथ जो आग निकल रहा है, ये जस्ट नॉर्मल प्रोसीजर है। मैंने नॉर्मल प्रोसीजर से थोड़ा सा अटपटा बोल सकते हैं। जब आप में लोड ज़्यादा हो, मैंने लोड ज़्यादा है और लोगों को खींचने का ज़्यादा ताकत लगा रहा है, तो क्या हो रहा है कि ईंधन जो है, जो डीजल है उसका, वो जल्दी जल्दी बर्न हो रहा है। तो वो धुआं करता है तो वो आग भी फेंक रहा है। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि लोगों में कुछ प्रॉब्लम है क्या, इसीलिए फेंक रहा है। बट वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है लोड को टालने के लिए, डेट्स वाई उसमें धुआं के साथ वो आग भी फेंकने की कोशिश कर रहा है। तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। इसमें क्या होता है कि अब लोग को ज़्यादा पावर लगा रहा है तो इंजन जल्दी ज़्यादा गर्म हो गया है। उनका जो चैम्बर है जहाँ पर वेस्ट हो रहा है वो ज़्यादा गर्म हो गया है, जिसके कारण वो ऊपर फेंक रहा है आग। तो क्या कर रहे हैं कि क्या करना है इसमें, इसका जो सॉल्यूशन क्या है कि गाड़ी को थोड़ी देर ही खड़ी रखनी है और उसके बाद ये ऑटोमेटिक जो डीजल पावर है वो ऐसे आग नहीं फेंकेगा, जस्ट धुआं फेंकते हुए जाए। तो भाई यही सॉल्यूशन है। तो भाई रात हो गया है और भयानक टाइप का नींद आ रहा है। कल सुबह देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। सुबह सोच रहे हैं कि अपना स्टडी रूम जहाँ हम पढ़ते थे, जहाँ किताब का ढेर लगा है, वहाँ आपको लेके चलेंगे। तो चलिए भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। No, there ain't no-